In this question, जैसे if the equation leads to the critical behavior, then the critical temperature. तो हम क्या करें इसको जैसे differentiate करें dP और dV. अब जैसे differentiation क्या है d by dx xn, तो formula क्या है n x n minus 1. तो पावर्स को देखें, एक बार माइनस वन आएगा, एक बार माइनस टू आएगा और एक बार पावर माइनस थ्री आएगा. तो इस केस में यहां माइनस वन है, माइनस टू है और माइनस थ्री है. और यहां पे एन माइनस वन, तो माइनस वन है. तो ये मेरा जो है हो गया माइनस वन डिवाइडेड बाय वी एम स्क्वेयर. यहां माइनस टू है तो और माइनस वन करेंगे तो ये अपना हो जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय वी एम क्यूब. माइनस थ्री बाहर आ गया और माइनस वन और है तो ये VM4 हो गया. तो इसको एडजस्ट करिए, यहां पुट करिए इस इक्वेशन में. तो यहां पे हमारे को क्या मिल रहा है जो है वो ये वाला टर्म पहले वाले में, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दीजिए. तो यहां माइनस RT और VM स्क्वायर, दूसरे में खुद में भी माइनस है और B भी है और यहां भी माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और टू और है और नीचे वी एम क्यूब. थर्ड पे आइए, वी एम क्यूब साथ में सी भी है जिसमें आर टी था और माइनस आ रहा है, खुद तो प्लस है. तो यहां पे ये डिफरेंशिएट हो गया जो है वो हमारे पास टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस थ्री सी और साथ में जो है वो वी एम फोर. ये जीरो होगा एट क्रिटिकल पॉइंट. तो इसके अंदर अब अपन ने जैसे एलसीएम ले लिया है ना, और वीएम फोर एलसीएम आया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको वीएम फोर को, तो एलसीएम ले लिया वीएम फोर, ये जीरो है तो यहां आ गया माइनस आर टी वी एम स्क्वेयर और प्लस टू बी वी एम, ठीक, और यहां पे माइनस थ्री सी. तो ये तो जीरो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस है तो इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, साइन चेंज कर देते हैं. ये वी एम स्क्वायर माइनस टू बी वी एम और यहां पे क्या आ गया प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो. अब इसमें श्रीधराचार्य मेथड लगा के और हम जो है वो वीएम की वैल्यू देखें तो वो वैल्यू क्या होगी, माइनस बी है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और जो है वो डिवाइड बाय टू ए है ऐसे. अब उसका ये जो वैल्यू आएगी अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, तो क्रिटिकल पॉइंट पे दो रूट्स तो होंगे नहीं है ना, तो इस हिसाब से ये माइनस फोर ए सी वैल्यू श्रीधराचार्य मेथड में जीरो होना चाहिए क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे तो जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, रिपीटेड रूट्स तो होंगे नहीं कि ये प्लस माइनस जो है वो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम यहां लें तो इसको जीरो हम कर देंगे इसमें है. तो यहां कंपेयर कर लिया तो ये तो अपना क्या हो गया फोर बी स्क्वायर हो गया,
माइनस ए कितना है अपना आर टी, ठीक, सी कंपेयर करें ये और ये क्या है यहां 3c, ये हमारा जीरो आ गया। अब यहां पे ये टेम्परेचर इस समय क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर ही है क्योंकि अपन ने क्रिटिकल पॉइंट्स की कंडीशन लगाई दी है इक्वल टू जीरो और यहां पे भी लगा दी है, तो ऑब्वियसली ये अब सिंपल टेम्परेचर नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो इससे हम फिर सॉल्व करेंगे हा? तो ये क्या हुआ 4b² माइनस 4 RTC 3C इक्वल टू जीरो, बी स्क्वेयर माइनस RTC 3C इक्वल टू जीरो और RTC 3C इक्वल टू बी स्क्वेयर और TC इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 RC। एक बार की पॉइंट्स को देख लीजिए, क्या है कि पहले डिफ्रेंशिएट कर लिया क्रिटिकल पॉइंट पे, ये जीरो हो जाएगा जो स्लोप, तो इससे ये इक्वेशन आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट पे रिपीटेड रूट्स तो होते नहीं है, तो ये वाला चीज जो श्रीधराचार्य मेथड में सॉल्व करेंगे ये डिस्क्रिमिनेंट आपके जीरो होना चाहिए, तो उससे अपन ने इसको जीरो इक्वेट करके, और ये टेम्परेचर सिंपल वाला नहीं है क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसको जो है वो देख लिया। तो ऑप्शन सी इज द आंसर।